सफर कितना लंबा था। ये मोजा यहाँ क्या कर रहा है? अजीब है। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं भी मिसिफू, एक गिलास दूध पीने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ठीक है। शायद हवा हो सकती है। मेरा ग्लास कहाँ है? मेरा ग्लास मुझे मिल नहीं रहा है। क्या तुमने देखा है मिसिफू? नहीं टैटी, ये रहा मेरा फेवरेट बर्तन। अब इसमें थोड़ा दूध डालेंगे और पीने के लिए तैयार। कहाँ हो सकता है? कितना अजीब है। कितना स्वादिष्ट और ताजा। मुझे नहीं मिल रहा है मिसिफू। अगर तुम चाहो तो मेरे बर्तन में पी सकती हो। धन्यवाद मिसिफू, मुझे लगता है दूसरा ग्लास लेना ही बेहतर होगा। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ये क्या हुआ? हम दोनों ऊपर से गिर गए टैटी। मैं जानती हूँ मिसिफू, तुम बहुत मजाकिये हो। मेरा मतलब ये था, कुर्सी के पैर लगता है पहले से ही किसी ने तोड़ दिए थे। तुमने सही कहा टैटी। अब समय आ गया है कि डिटेक्टिव मिसिफू इसकी जांच करे। बहुत देर हो गई है मिसिफू, हमें अपने अपने पजामे पहनकर सोने चले जाना चाहिए। जांच हम कल कर लेंगे। मुझे नींद आ रही है। टैटी, वो क्या था? क्या मिसिफू, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। चलो चलो, हमारे पजामे पहनकर जल्दी सो जाते हैं। मैं थक गई हूँ। चलो पजामा पहन लेते हैं। हुर्रे, मेरा फेवरेट पजामा। डैडी, अपने आप को आईने में देखो डैडी। क्या हुआ? ओ, मेरे पजामे में कितने सारे छेद हो गए हैं। मैं दूसरा पहन लेती हूँ। ओ, मेरे सभी पजामों में छेद हो गए हैं। इसमें भी, इस पीले वाले में भी। अब मैं क्या करूंगी? मेरे सारे पजामों में छेद हो गए हैं। कोई बात नहीं टैटी, मैं तुम्हें अपने पजामों में से एक पजामा दे देता हूँ। हाँ, ये हरा वाला अच्छा है और इसमें कोई छेद भी नहीं है। ये लो टैटी। धन्यवाद मिसिफू। तुम्हें फिट तो हो रहा है ना टैटी? हाँ, लेकिन ये थोड़ा छोटा है। वाह, मुझे तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं मिसिफू, मेरे लिए ये छोटा है। चलो, अब नींद आ रही है। मेरा नन्हा टैडी बेयर, मेरा टैडी बेयर कहाँ गया? मैं उसके बिना नहीं सो सकता। मैं ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी मिसिफू, चिंता मत करो। मेरे पलंग पर तो नहीं है, और नीचे भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है मिसिफू। टैडी बेयर, तुम कहाँ चले गए? अलमारी में भी नहीं है मिसिफू। लगता है हमारे घर में कोई है। अरे नहीं, और उसने ही मेरा टैडी लिया है। और मेरा ग्लास भी। और तुम्हारे सारे पजामों में छेद किए। और कुर्सी भी तोड़ दी। अब हम क्या करें? और अगर हम नीचे सो जाए तो टैडी? सोफे पे सो जाते हैं। मुझे डर लग रहा है टैटी। मुझे भी मिसिफू। टैटी, किसी ने मेरे स्लीपर ले लिए। देखो, वो नहीं है। ट्विंकल ट्विंकल बी मिसिफू, तुमने वो आवाज सुनी? नहीं,
मेरी टैडी। मिसिफू, क्या हुआ टैडी? कोई मेरा पैर खींच रहा है। ये कौन है टैडी? उसका पीछा करते हैं। हमें सुरक्षित रह के करना होगा। हाँ सही कहा टैटी। हाँ ये ठीक रहेगा। चलो देखो मिसिफू, लगता है वो भी डरा हुआ है। हुर्रे, हम जीत गए। ओह, ये कितना प्यारा है। हेलो दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? बूबी। तुम हमारे दोस्त बनोगे बूबी? मिसिफू, मुझे किसी काम से जाना है। ठीक है टैटी। मैं थोड़ी झपकी ले लेता हूँ। यहाँ नहीं है, मैं जरा किचन में देख लेती हूँ। वो यहाँ भी नहीं है। कहाँ हो सकती है टैटी? हो सकता है उसके बेडरूम में हो। ओ, यहाँ भी नहीं है, नीचे जाकर देखना होगा। भगवान, वो मुझे ढूंढ ले। ओ, समझ गई। हो सकता है कि वो कबर्ड के अंदर हो। अरे, यहाँ भी नहीं है। मैं यहाँ बैठकर उसका इंतजार करती हूँ। कहाँ है? नहीं, लेकिन वो जल्दी वापस नहीं आएगी। तुम्हें घर चले जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकती, मुझे उसकी मदद चाहिए। मुझे बताओ लिली, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। कल से हमारी जादुई स्कूल शुरू होने वाली है और हम सभी को अपने पेट्स ले जाने हैं, तो मैं चाहती हूँ टैटी मेरी मदद करे। हाँ, तुम भी मेरे पेट बन सकते हो। नहीं लिली, क्योंकि मैं टैटी का पेट हूँ। सच कह रहे हो? बाल बाल बचाओ। तो तुम्हें अब तक कोई पेट नहीं मिला? मैं जंगल में गई थी अपने लिए एक पेट को ढूंढने। मुझे एक बंदर पेड़ पर दिखाई दिया और मैंने उसे आवाज दी, बंदर बंदर, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद ढूंढने पर मुझे एक हिरण दिखाई दिया, लेकिन वो भी भाग गया। फिर मुझे एक सियार दिखाई दिया, लेकिन वो भी डर कर भाग गया। इसीलिए मुझे कोई पेट नहीं मिला
और मैं चाहती हूँ कि अब टैटी मेरी मदद करे। वैसे टैटी तो यहाँ नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। देखो लिली, वो रही मकड़ी, ये चलेगी। बहुत अच्छी है। अरे वाह, मिसी फू को बैट मिल गया। मुझे यहाँ से भागना होगा। कोई बात नहीं, एक और प्रयास करते हैं। देखो देखो, मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन ध्यान से, कहीं वो उड़ न जाए। तुम्हारे लिए नहीं है मिसिफू, ये लिली के लिए है। सच में मेरे लिए? हाँ लिली, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? क्योंकि कल जादुई स्कूल शुरू होने वाली है और अब तक मुझे कोई पेट नहीं मिला। अच्छा, फिर तो तुम्हें ये तोहफा खोलना चाहिए। आखिरकार मुझे पेट मिल ही गया। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ला 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 ला। ना भूले।
सिफू? बहुत गर्मी है, मुझे आइसक्रीम दो ना। माफ करना, मुझे वैसे ही देरी हो गई है। फिर मिलते हैं। अब मैं क्या करूंगा? हाँ, एक आइडिया है। आईने आईने, लिली को दिखाओ और मेरी बात करवाओ। हाय लिली। मैं सिफू, मेरी प्यारी बिल्ली। लिली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा, समझ गई। स्वादिष्ट स्वादिष्ट, पक्का वो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आएगी। लो, अब तुम ठंडे और मस्त हो जाओगे। आइसक्रीम चाहिए। कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाय पिगी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ लेने पैसे पैसे। माफ करना पिगी, लेकिन मुझे तुम्हें तोड़ना होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत तोड़ो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, नहीं है। मैं क्या करूँ? लिली, तुम्हारा जादू इस्तेमाल करो। हाँ, अच्छा विचार है, मैं जादू से आइसक्रीम तैयार करती हूँ। जादूगरनी टैटी आ रही है तुम्हें बचाने, वहीं रुकना दोस्तों। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। टैटी, मुझे तो बस आइसक्रीम चाहिए थी, अब मैं बलून बन गया। पता नहीं ये कैसे हुआ। हे भगवान, मुझे तुम दोनों को अकेले कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ट्विंकल ट्विंकल बी, मिस इफू बन जाए बिल्ली और दोनों हो जाए मंत्रमुग्ध भी। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये ये ये, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाओगी। चलो मिसिफू, आज बलून एडवेंचर है। बहुत अच्छे टैडी। चलो बास्केट में बैठ जाओ, फिर बलून फुलाते हैं। ये तो नामुमकिन है टैडी। ऐसे नहीं फूलता है ये। ट्विंकल ट्विंकल बी, बलून फूल जाए अभी। यप्पी, क्या बात है। वो देखो हमारा घर कितना छोटा लग रहा है। गुड बाय नन्हे घर। जरा हमारे शहर को तो देखो मिसिफू, बहुत ही सुंदर। और वो देखो मिस्टर मॉर्निंग का घर, वो क्या कर रहे होंगे? चलो मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। अरे कौन सा बटन था? शायद दूसरा होगा। Bye.
रहा है। मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। हाँ, ये क्या है? ब्लैंकेट के नीचे कुछ है। देखे तो क्या है? डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? कछुआ! बादल के ऊपर कूदो। टैटी, इस कछुए को कहीं और भेजो ना। हाँ, भगवान का शुक्र है कि कछुआ यहाँ से चला गया। मिसीफू, लगता है वो वापस आ रहा है। देखो मिसीफू, वो जादू की छड़ी लेने गया था। धन्यवाद कछुए। स्वागत है। अब हम जादू से यहाँ से नीचे उतरेंगे। क्या तुम जादू करके इस कछुए को यहाँ से नहीं भगा सकती? मिसीफू, अच्छा अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। ट्विंकल ट्विंकल बी ट्रैम्पोलिन आ जाए अभी। पहले मैं जाऊंगी। हाँ, मैं इस कछुए के साथ अकेला नहीं रहूंगा। पहले मैं जाऊंगा। कितने सारे पिरामिड! मम्मी को तो देखो, कितना डरावना है। टैटी, सोचो अगर मैं मम्मी बना तो कैसा लगूंगा? डरावने तो नहीं लगोगे। और मैं फेरो के रूप में कैसी लगूंगी? मेरे पास एक आइडिया है। क्या हम पिरामिड्स देखने चलें? चलो, आर्कियोलॉजिस्ट बनते हैं। ट्विंकल ट्विंकल बी, टैटी और मिसीफू जाएंगे इजिप्ट। वाह, यहाँ कितनी सारी रेत है। टैटी, किताब देखकर तो नहीं लगा कि इतनी गर्मी होगी? मैं तो पिघलने वाला हूँ। मिसीफू, हम वहाँ ऊंट की सवारी से जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल बी, मैं और तुम करेंगे ऊंट की सवारी। ऊपर चढ़ जाओ मिसीफू। ओह ओह, मिसीफू मेरी मदद करोगे? हाँ टैटी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है सीढ़ियों की जरूरत है। ट्विंकल ट्विंकल बी, मेरे लिए सीढ़ी आ जाए। लो, मैं आ गई। पता नहीं ये इतना आराम से क्यों चल रहा है। और हम पहुंच गए। ये कितना बड़ा है।
ये एंट्रेंस कहाँ होगा? पता नहीं मिसिफू, चलो देखते हैं कहाँ है। ओह डैडी, तुम कहाँ हो? ओह मिसिफू, मिसिफू। मैं आ रही हूँ। डैडी, ओह डैडी, मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। अब सब ठीक है, लेकिन आगे हमें और ध्यान रखना होगा। चलो मिसिफू, यहाँ से शुरुआत करते हैं। डैडी, क्या तुम रोशनी के लिए अपना जादू इस्तेमाल करोगी? ठीक है। अरे नहीं, लगता है मैं अपनी जादू की छड़ी फिर भूल गई। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? अरे वाह, यहाँ ये रोशनी किसने की? मिसिफू ध्यान से, और कुछ भी मत छूना। के लिए हमें बैंडेज की जरूरत होगी। बस ऐसी ही। कितनी लंबी है, इसका तो कोई अंत ही नहीं। मेरे बैंडेज मुझे वापस करो। देखो मिसिफू, मम्मी हमारी मदद कर रहा है। माफ करना दोस्तों, मैं मदद करूंगा। धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया, और माफी चाहते हैं कि हमने आपको डराया। चिंता मत करो, ये हमेशा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों। क्या आप हमें पिरामिड से बाहर निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे पीछे आओ। यहाँ से बाहर जा सकते हो। लेकिन ये तो बहुत छोटा है, शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन मैं जा सकता हूँ। कितने सारे कीड़े, जैसा उस किताब में दिखाया गया था। जादू की छड़ी टेडी। दोस्तों, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? मैं यहाँ बहुत बोर होता हूँ, प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी जादू की छड़ी से एक जादुई रास्ता बना दूंगी, जिससे आप कभी भी हमसे मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया। ट्विंकल ट्विंकल बी, जादुई रास्ता बन जाए यहाँ अभी के अभी। मैं जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। देखिए, ये मेरा छोटा सा घर है। ये तो बहुत छोटा है, क्या तुम भी मेरी तरह बड़े पिरामिड वाले घर में नहीं रह सकती? वैसे नहीं, मुझे ये ऐसा ही पसंद है। मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत बहुत भूख लगी है। दोस्तों माफ करना, लेकिन मुझे जाना होगा, मेरा पेट बहुत भूखा है, मुझे उसे खिलाना होगा। ठीक है मम्मी, आप जब चाहे आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। डैडी, इसमें तो बहुत मजा आया, एक आइडिया आया है, क्यों ना हम अगली बार ड्रैकुला के खंडर की विजिट करें? मिसिफू, मजा तो बहुत आएगा।
लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पैटी, मैं और गर्मी नहीं सह सकता। मैं भी। दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है। ट्विंकल ट्विंकल बी, ताजगी भरा सोडा आ जाए अभी। बहुत रिफ्रेशिंग है। पैटी, क्या तुम मुझे सिखाओगी? हाँ दीदी, मुझे भी सीखना है। और इस तरह से करते हैं दोस्तों। ओह, बहुत एक्साइटिंग। ट्विंकल ट्विंकल बी, एक बड़ा रिफ्रेशिंग सोडा आ जाए अभी। बहुत बड़ा है। मैंने कर दिया। अब तुम लिली। ट्विंकल ट्विंकल बी, ये बन जाए फ्रोजन सोडा। छड़ी का गलत इस्तेमाल किया है, वो कोई और जादूगरनी है। अभी मैं अपनी जादू की किताब में देखकर बताती हूँ। मैं इसका उपाय ढूंढती हूँ। इस दरमियान तुम मिस्टर मॉर्निन से मदद लेने की कोशिश करो। पेरुनो, हमें मिसिफू को अनफ्रीज करने का सलूशन जल्द ढूंढना होगा। क्यों, मेरा दोस्त मुसीबत में है? नहीं, चिंता मत करो मिसिफू, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं अल्ट्रा वायलेट रेज लॉन्च करूंगा जिससे बर्फ पिघल जाए। दोस्तों, मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। चिंता मत करो मिसिफू, 3 की गिनती पर मैं रे लॉन्च करूंगा और देखना सब ठीक होगा। बेचारा मिसिफू। एक, दो, कोई बचाओ, मैं जल रहा हूँ। लेकिन मैंने तो अभी रे छोड़ी ही नहीं मिसिफू। दोस्तों, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे सुंदर बाल। नहीं, चिंता मत करो मिसिफू, हम ठीक कर देंगे। हमें बस जादू की छड़ी की जरूरत है। मेरी जादू की छड़ी से मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी छड़ी मुझ पर नहीं लिली। बच्चों, मुझे उपाय मिल गया। वाह मिसिफू, क्या तुमने हेयर स्टाइल बदली है? ओह, मुझे बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद ग्रैनी, आप बहुत अच्छी हैं। ध्यान से बच्चों, ये औषधि बहुत असरकारक है। इसमें सुपर पावर और तीखी मिर्च है। एरुनो, इस औषधि को बर्फ के ऊपर डालो। चल रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत ही रिफ्रेशिंग। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? बहुत अच्छा। पेरुनो,
तुमने मिसिफू को बचा लिया। तुम ही रहो, तुम ही रहो, तुम ही रहो। धन्यवाद पेरुनो। शेयर करना ना भूले।